साथियों आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 20 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज पेपर को देखेंगे और इस पेपर में जो भी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो करंट अफेयर हो, जीएस हो या मैपिंग हो, जो भी इस सेक्शन में महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के न्यूज डिस्कशन को। हम लोग यदि हम लोग पहले पेज को देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पहले चरण का जो चुनाव था 19 अप्रैल को हुआ है और पहले चरण में 63% मतदान हुआ है, जो कि 2019 के मुकाबले कम है। हमारे लिए यहाँ जो महत्वपूर्ण है पहले पेज पे, एक तो ये कि डीडी न्यूज ने अपना लोगो बदल दिया है, तो हमें डीडी न्यूज के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर न्यूज है कि ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर पर इजराइल के द्वारा हमला किया गया है। तो ये शहर कौन सा है, इस शहर का नाम याद रखिएगा, इस्फान। इस्फान शहर कहाँ का है, ईरान का है। और यहाँ पर ईरान के कई सारे परमाणु संयंत्र जो हैं वो यहीं पर स्थित है। जैसे आप कह सकते हैं कि इस्फान वही प्रांत है जहां नतांज, न ऐसे लिख सकते हैं इसको, नतांज, ठीक है, नतांज समेत ईरान के कई परमाणु संयंत्र मौजूद हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, कई बार क्या होता है शहरों का मिलान करने के लिए पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा इस्फान कहाँ का शहर है, तो ईरान का है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो संपादकीय वाला पेज है, यहाँ पर एक कोटेशन दिया गया है माया एंजेलो का, महत्वपूर्ण कोटेशन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तितली की सुंदरता का आनंद लेते हैं लेकिन बहुत कम उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं जिनसे गुजरकर तितली को यह सुंदरता हासिल होती है। तो इस कोटेशन का आप इस्तेमाल आंसर राइटिंग या निबंध लेखन में कर सकते हैं। यहाँ पर जो संपादकीय दी गई है, धरती के नीचे पसरा महासागर, रंजना मिश्रा जी के द्वारा, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हमारे धरती के नीचे एक बहुत बड़ा महासागर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के नीचे मौजूद महासागर में पृथ्वी की सतह के सभी महासागरों से 3 गुना अधिक पानी मौजूद हो सकता है। तो ये एक नई खोज है, इस खोज में जो भी नए नए आयाम है, जो भी नई चीजें हैं वो इस आर्टिकल में दिया गया है, तो इसको हम लोग अलग से करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला आर्टिकल हम लोग नेस्ले के संबंध में देखते हैं। देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI को नेस्ले इंडिया की ओर से कम विकसित देशों में अधिक चीनी वाले शिशु उत्पाद बेचने की रिपोर्ट या जो रिपोर्ट है उस पर गौर करने को कहा है। अभी हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट आई है, स्विट्जरलैंड के गैर सरकारी संगठन पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि नेस्ले ने यूरोप के अपने बाजारों की तुलना में भारत सहित कम विकसित दक्षिण एशियाई देशों, अफ्रीकी व लैटिन अमेरिकी देशों में अधिक चीनी वाले शिशु उत्पाद बेचे हैं। उपभोक्ता मामलों के सचिव एवं सीसीपीए की प्रमुख निधि खरे ने कहा कि हमने FSSAI को नेस्ले के शिशु उत्पाद पर आई रिपोर्ट का संज्ञान लेने के लिए पत्र लिखा है। FSSAI को लिखे पत्र में खरे ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग को विभिन्न समाचारों से भारत में नेस्ले कंपनी के चलन के बारे में जानकारी मिली, खासकर नेस्ले सेरेल जो बच्चे पीते हैं के संबंध में। उन्होंने कहा कि खबरों के अनुसार स्विट्जरलैंड इसे संगठन, ये जो नेस्ले कंपनी कहां की, स्विट्जरलैंड की है, तो स्विट्जरलैंड इसे संगठन ने भारत में नेस्ले की विनिर्माण प्रथाओं पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट पेश की है। खरे ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक नेस्ले पर भारत में बेचे जाने वाले नेस्ले सेरेलैक में एक बार के खाने में 2.7 ग्राम चीनी मिलाने का आरोप लगाया गया है। तो इस पूरे आर्टिकल में दो शब्द महत्वपूर्ण है, एक तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, दूसरा है आपका भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI। तो इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए के बारे में। इसका गठन अप्रैल 2019-2020 में हुआ, किसके तहत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10(1) के तहत, 10(1) के तहत। अब यदि हम लोग बात करें भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के बारे में, तो FSSAI की स्थापना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2005 के तहत स्थापित स्वायत्त सांविधिक निकाय है। यह जो है किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। इतनी चीजें याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी के संबंध में क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द टॉप, तो ध्यान रखिएगा ओटीटी का फुल फॉर्म कभी पूछा जा सकता है, तो ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है, ओवर द टॉप
मंचों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता से जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस संबंध में सरकार के समक्ष आवेदन दाखिल करे। याचिकाकर्ता का दावा था कि ओटीटी मंचों पर बेरोकटोक अश्लीलता और अनुचित दृश्य दिखाए जाते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ से कहा कि याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या ओटीटी मंचों को बिना किसी रोक के ऐसी सामग्री प्रसारित करने या दिखाने की अनुमति दी जा सकती है जो सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सरकार के पास जाइए कि वो इस पे कुछ एक्शन लें। अब हम लोग बात कर लेते हैं सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 से इसके प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किराए की कोख सरोगेसी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस याचिका में स्वस्थ जैविक बच्चे वाले इच्छुक जोड़े को किराए की कोख के माध्यम से दूसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया। मतलब उनके पास पहले से एक बच्चा है, वो एक दूसरा बच्चा जो है वो सरोगेसी के माध्यम से चाहते हैं। न्यायमूर्ति बीबी नागरत्न और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में सरोगेसी विनियमन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। अधिनियम की एक धारा उस इच्छुक विवाहित जोड़े को किराए की कोख के माध्यम से दूसरा बच्चा पैदा करने से रोकती है जिनके पास पहले से ही सामान्य रूप से गोद लेने के माध्यम से या सरोगेसी के माध्यम से एक स्वस्थ जैविक बच्चा है। याचिका एक विवाहित जोड़े द्वारा दायर की गई है जिसे पहले बच्चे के सर्वोत्तम हित की रक्षा करते हुए दूसरे बच्चे को जन्म देने से रोका गया है। कानून के अनुसार सरोगेसी से पहले इच्छुक जोड़े को एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। पात्रता के लिए लगाए गए शर्तों में से एक यह है कि इच्छुक जोड़े की शादी प्रमाण के दिन आयु महिला के मामले में 23 से 50 वर्ष और पुरुष के मामले में 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एक अन्य शर्त यह है कि इच्छुक जोड़े को पहले जैविक रूप से या गोद लेने के माध्यम से या सेरोगेसी के माध्यम से कोई जीवित बच्चा नहीं होना चाहिए। हालांकि यह प्रावधान उन इच्छुक जोड़ों के पक्ष में एक अपवाद है, एक प्रावधान के माध्यम से अपवाद बनाता है जिनका एक पहला बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले विकार या घातक बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जो सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 है, ठीक है। इसी पेज पे जो है कुछ अन्य चीजें भी हैं दी गई थी जो लखनऊ के संस्करण में, जैसे एक चित्र दिया गया था जिसमें तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पेनुकुनी उत्सव में बेलाकली नृत्य करते हुए कलाकारों का चित्र था। तो ध्यान रखिएगा पेनुकुनी उत्सव और बेलाकली नृत्य, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर के तहत। तो देखिए, पेनुकुनी महोत्सव जो है ये आपका गच्चे जो आपका त्रावणकोर है, केरल में त्रावणकोर, दक्षिण केरल में पूर्व रियासत था ये, यहाँ पर आपका श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। इसके मुख्य वार्षिक त्योहारों में से एक है पेनुकनी महोत्सव। यह 10 दिवसीय त्योहार इसमें हर दिन विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इसकी शुरुआत कोडियट्टू से होती है, मतलब जो पहला उत्सव होता है वो कोडियट्टू कहलाता है। ये समारोह का ध्वजारोहण होता है। मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार पर पांडवों की विशालकाय प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। यह अनुष्ठान भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है जो वर्षा के देव माने जाते हैं। इसी चित्र में दिखाया गया है बेलाकली नृत्य करते हुए कलाकार। तो बेलाकली नृत्य जो है इसके बारे में याद रखिएगा, यह केरला का नृत्य है। बेलाकली नृत्य जो है केरल के नायर समुदाय का एक पारंपरिक मार्शल नृत्य है जो मंदिर उत्सवों के दौरान किया जाता है। एक चित्र और दिया गया था इसी पेज पे जो कि यहाँ पर नहीं छापा गया, लखनऊ वाले संस्करण में, केरल के त्रिशूर पुरम उत्सव के जश्न के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए श्रद्धालु। तो ये भी आपका ध्यान रखिएगा जो त्रिशूर पुरम ये कहां पर होता है, ये आपका त्रिशूर जो जगह है वहां के वड़क्कुनाथ मंदिर में हर साल मनाया जाता है। पूरम देखिए क्या होता है, जो पूरम होता है, पूरम ऐसे लिख सकते हैं, पूरम जो होता है केरल के मंदिर उत्सव को पूरम कहते हैं। वो जो त्रिशूर पूरम है इसको सभी पूरम की जननी माना जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज याद रखिए। एक और आर्टिकल था इस पे, वो ये कहता है कि जो IMF है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चुनावी वर्षों में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की भारत की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और मुद्रास्फीति भी क्या है वो अपनी सीमा में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखें तो यहां पर देखिए एक
केस है इसके बारे में देख लेते हैं कि व्यभिचार तलाक का आधार हो सकता है बच्चे की अविरक्षा देने का नहीं, अविरक्षा मतलब कस्टडी देने का। ये जो फैसला है ये बंबई उच्च न्यायालय का है। बंबई उच्च न्यायालय ने 9 वर्षीय एक लड़की की अविरक्षा उसकी माँ को देते हुए कहा कि व्यभिचार जो है वो तलाक का आधार हो सकता है लेकिन बच्चे की अविरक्षा देने का नहीं, कस्टडी देने का नहीं। न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की एकल पीठ ने 12 अप्रैल को एक पूर्व विधायक के बेटे द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें फरवरी 2023 में कुटुंब अदालत द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में याचिकाकर्ता की बेटी की अविरक्षा अलग रह रही उसकी पत्नी को दी गई थी। इसे पुरुष और महिला की शादी 2010 में हुई थी और उनकी बेटी का जन्म 2015 में हुआ था। महिला ने 2019 में दावा किया कि उसे उनके घर से निकाल दिया गया। याचिकाकर्ता ने हालांकि दावा किया कि उसकी पत्नी अपनी इच्छा से चली गई थी। याचिकाकर्ता को की वकील इंदिरा जयसिंह ने अदालत से कहा कि महिला का कई व्यक्तियों के साथ प्रेम प्रसंग है इसलिए बच्ची की अभिरक्षा उसे सौंपना उचित नहीं होगा। न्यायमूर्ति पाटिल ने कहा कि बच्ची की अभिरक्षा के मामले पर निर्णय लेते समय व्यभिचारी आचरण के आरोपों का कोई असर नहीं होगा। अदालत ने कहा कि एक पत्नी जो है एक अच्छी पत्नी नहीं होने का मतलब यह नहीं कि वह एक अच्छी माँ नहीं हो सकती है। व्यभिचार तलाक का आधार हो सकता है लेकिन यह अभिरक्षा का आधार नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन यह अभिरक्षा से इनकार का आधार नहीं हो सकता। जयसिंह ने अदालत को बताया कि लड़की के स्कूल के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की माँ को ईमेल भेजकर उसके व्यवहार के बारे में चिंता जताई थी, मतलब उसकी दादी को। उच्च न्यायालय ने हालांकि दलील दी कि दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सवाल उठाया कि जब माता पिता अच्छी तरह शिक्षित हैं तो स्कूल ने दादी से संपर्क क्यों किया। याचिकाकर्ता की माँ एक पूर्व विधायक है और लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक थी। न्यायमूर्ति पाटिल ने कहा कि लड़की केवल 9 वर्ष की है और अभिरक्षा के मामलों में अदालत को बच्चे की भलाई को सर्वोपरि मानना चाहिए। अदालत ने कहा कि इसलिए मेरे अनुसार बच्चे की अभिरक्षा पत्नी से लेकर पति को सौंपने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, आगे चलते हैं देश दुनिया वाले पेज पे। यहाँ देश दुनिया वाले पेज पे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है एक ये देखिए, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप भेजी है। भारत ने 19 अप्रैल को फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप की आपूर्ति की। किस देश को? फिलीपींस को की है। दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा दिखाई जा रही सैन्य आक्रामकता के मद्देनजर यह आपूर्ति दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों को दर्शाती है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस के साथ इस हथियार प्रणाली की आपूर्ति के लिए 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का करार होने के 2 साल के बाद आपूर्ति की है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मार्शल परिवहन विमान ने फिलीपींस की नौसेना के लिए मिसाइल और लॉन्चरों को द्वीपीय देश तक पहुंचाया। भारत ने जनवरी 2022 में मिसाइल की तीन बैटरी की आपूर्ति के लिए फिलीपींस के साथ करार किया था। वह पहला देश है जिसे भारत ने अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति की है। अर्जेंटीना सहित कुछ अन्य देशों ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत रूस का संयुक्त उपक्रम है जो इन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है। ब्रह्मोस मिसाइलों को पनडुब्बियों, जहाजों विमानों आदि से दागा जा सकता है। तो कहां कहां से? पनडुब्बियों से, जहाज से, विमान से, आदि जगह से, जल, थल, नभ, हर जगह से। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति के लगभग 3 गुना अधिक से गति से लक्ष्य तक पहुंचती है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा एक आर्टिकल यहां पर और नहीं दिया गया है उसके बारे में, वो आर्टिकल क्या है कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन जो इजराइल फिलिस्तीन का मैटर चल रहा है वो वाले फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता पर अमेरिका का वीटो लगा है। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के वीटो शक्ति का इस्तेमाल करने की इजराइल ने सराहना की, जबकि फिलिस्तीन ने जो है इसे अनुचित और अनैतिक करार देते हुए इसकी आलोचना की। सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव जो है मतदान के लिए आया हुआ था। इसके पारित होने पर 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा यह सिफारिश करते कि फिलिस्तीन को इस वैश्विक संस्था के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाए। अभी वो पर्यवेक्षक के रूप में है।
सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और 5 जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। 5 स्थायी कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। अगर इसमें से कोई भी एक वीटो कर देगा तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो यहां पर यही हुआ कि 15 सदस्य थे, 12 वोट पड़े, प्रस्ताव के समर्थन में 12 वोट पड़े, जबकि स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन ने मतदान से दूरी बना ली, तो 15 में से तो 2 दूरी बना लेते हैं। अमेरिका ने वीटो कर दिया, 3 हट गए, बाकी सबके समर्थन में थे। ठीक है, मसौदा प्रस्ताव को पारित करने के लिए इसके समर्थन में सुरक्षा परिषद के कम से कम 9 सदस्यों के वोट देने की जरूरत थी, और यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य देशों में से किसी को भी अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना था। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है, ध्यान रखिएगा, और अमेरिका ने वीडियो लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।